अभी भारत को बेहतरीन T20 टीम मानते हैं तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को हराने के बाद श्रीलंका के साथ T20 सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इस शानदार प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद भारतीय टीम की जीत पर श्रीलंका के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं श्रीलंका के दिग्गजों ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह में किसका टीम में होना भारतीय टीम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला, जिसमें विपक्षी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया और भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 200 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें ईशान किशन ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रनों की पारी खेली और जिसमें उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाते हुए, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने भी मुकाबले में अंत तक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 57 रन बनाए और कप्तान रोहित शर्मा ने 44 रन बनाए और इसी के साथ ही भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को पहले मुकाबले में बहुत ही कम रनों पर आउट कर दिया और मुकाबले को जीत दिला दी और सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। और उसके बाद श्रीलंका के दिग्गजों का भारतीय टीम की जीत को लेकर बयान सामने आया, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय टीम दूसरे मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि पहले मुकाबले में तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके मुकाबले को श्रीलंका की गिरफ्त से निकाल लिया और श्रीलंका के बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी अपना प्रदर्शन नहीं किया है अच्छा वाला, जिस कारण से श्रीलंका की टीम पहले मुकाबले को हार गई है। और इस हार में श्रीलंका की टीम को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की टीम दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज करेगी और इस मुकाबले का बदला दूसरे मुकाबले में जरूर लेगी और सीरीज 1-1 से बराबर जरूर करेगी। और साथ ही साथ लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी सराहना पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम जीत नहीं पाएगी, क्योंकि पहले मुकाबले में भारतीय टीम अपने नसीब के कारण जीत गई है, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंका की टीम में बेहतरीन खिलाड़ी नहीं थे और श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी भारतीय टीम को कम स्कोर पर नहीं रोक पाए, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने मुकाबले को जिताने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिताने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे मुकाबले में श्रीलंका की टीम भारतीय टीम को जरूर हरा पाएगी, क्योंकि श्रीलंका की टीम वापसी करने में माहिर है। तो वहीं कुमार संगकारा ने कहा कि भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में जरूर हार जाएगी, क्योंकि पहले मुकाबले में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज के सामने नहीं हुआ, जिसमें श्रीलंका की सबसे बेहतरीन स्पिनर महेश तक्षणा और हसरंगा नहीं खेल रहे थे, जिस कारण से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, क्योंकि उनके सामने कोई बेहतरीन गेंदबाज नहीं थे और श्रीलंका की बेहतरीन गेंदबाजी में ये दोनों खिलाड़ी के अलावा दशमंता चमीरा का भी बेहतरीन गेंदबाजी है, लेकिन इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी नहीं की थी, जिस कारण से भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हुई और मुकाबले को जीत गई। लेकिन दूसरे मुकाबले में इनके साथ दोनों स्पिनर खेलते हुए दिखाई देंगे और तीनों ही खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने नहीं देंगे और मुकाबले को जीतने में सफल योगदान देंगे। दोस्तों, इस मुकाबले का हीरो कौन सा खिलाड़ी रहा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।